यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के ड्रीम को यमुना अथॉरिटी जल्द पूरा करने जा रही है। इसके लिए यमुना अथॉरिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आई है जिससे हजारों लोगों का सपना तो पूरा होगा ही, साथ ही साथ इससे यमुना अथॉरिटी भी मालामाल हो जाएगी। अथॉरिटी को इस स्कीम से करोड़ों रुपए की कमाई होगी, जिस पैसे से आने वाले समय में यमुना अथॉरिटी जिन नए प्रोजेक्ट्स को लाएगी उसमें पैसे से संबंधित कोई भी कमी सामने नहीं आएगी। तो देर किस बात की, चलिए यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के इस प्लान को विस्तार से समझते हैं। किसी संस्थान को चलाने के लिए सबसे जरूरी होता है धन। जी हाँ, पैसे। उसे चलाने के लिए लोगों को यानी कि एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, उसके अलावा संसाधनों की जरूरत होती है, और भी कई चीजें होती हैं। और इन सब को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। जी हाँ, पैसा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यमुना अथॉरिटी ने ऐसी 11 हाउसिंग सोसाइटी प्लॉट स्कीम लॉन्च की है जिससे अथॉरिटी को डायरेक्ट करीब 7,600 करोड़ रुपए का फायदा मिलेगा। देखिए, सेक्टर 22 डी में हमने 13 प्लाट चिन्हित किए हैं जिसमें 2.5 एकड़ से लेकर के बड़े प्लाट 30 एकड़ तक है। और इस ग्रुप हाउसिंग की स्कीम के लाने के पीछे उद्देश्य कि इस साल हमारा बजट बहुत बड़ा है, करीब 7,600 करोड़ का है, तो उसको अचीव करने के लिए हर सेक्टर में स्कीम आएगी जिससे कि रिकवरी हमारी पूरी की पूरी मार्च फाइनेंशियल ईयर में हम इस साल 7,500 करोड़ कर सकें। पिछली बार हमने 2,200 करोड़ किया था तो लगभग 3.5 गुना जो है इस बार हम इनकम करने के लिए हमारा लक्ष्य है। यमुना अथॉरिटी ने 11 हाउसिंग सोसाइटी की स्कीम लॉन्च की है। इसमें अलग अलग आकार और प्रकार के प्लॉट शामिल हैं। इनमें छोटे प्लॉट से लेकर बड़े प्लॉट तक शामिल हैं। इस ग्रुप हाउसिंग योजना के पीछे उद्देश्य इस साल के बड़े बजट को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो कि 7,600 करोड़ रुपए का है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर सेक्टर में नई स्कीम लाई जा रही है जिससे फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक अथॉरिटी की रिकवरी पूरी हो सके। हाल ही में यीडा एक स्कीम लेकर आई है जिसमें यमुना अथॉरिटी के जेवर क्षेत्र में बन रहे देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बस रही यमुना सिटी में अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। इस योजना के तहत यमुना सिटी के सेक्टर 16, 18 और 20 में रेजिडेंशियल प्लॉट्स ले पाएंगे। इस आवासीय भूखंड योजना में 120, 162, 200, 300, 500, 1000 और 4000 वर्ग मीटर तक कुल 361 प्लॉट शामिल है। इस योजना में इंटरेस्टेड लोग 5 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 5 अगस्त 2024 रखी गई है, जबकि इस योजना का ड्रॉ 20 सितंबर 2024 को निकाला जाएगा। इस स्कीम में कुल 361 प्लॉट हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 131 प्लॉट 300 वर्ग मीटर के हैं। उसके बाद 120 वर्ग मीटर के 84, 162 वर्ग मीटर के 77 तथा 500 वर्ग मीटर के 40 प्लॉट हैं। वहीं 200 वर्ग मीटर के 3 और 1000 वर्ग मीटर के 18 तथा 4000 वर्ग मीटर के 8 प्लॉट हैं। आप अपनी आर्थिक स्थिति और डिमांड के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए तथा ऑनलाइन आवेदन के लिए यमुना अथॉरिटी की आधिकारिक वेबसाइट yamunaexpressway.com पर जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं। आपको जानकारी दे दें कि यमुना रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम 2024 में प्लॉट्स के रेट 25,900 प्रति वर्ग मीटर रखा गया है। यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह का कहना है कि पिछले साल 22 सेक्टरों में 22 करोड़ रुपए की इनकम प्राप्त की थी, जबकि इस बार हमारा लक्ष्य 330 गुना अधिक इनकम जुटाना है। ग्रुप हाउसिंग की वर्तमान में काफी मांग है और देश की प्रमुख ग्रुप हाउसिंग कंपनियों ने इसमें अप्लाई किया है। इस योजना के माध्यम से हम 13 प्लॉट्स की पहचान कर चुके हैं और हमें उम्मीद है कि ये सभी प्लॉट्स जल्दी ही बिक जाएंगे। इससे हमारी कुल रिकवरी लगभग 1300 करोड़ रुपए हो सकेगी। इस बड़ी योजना से न केवल वित्तीय स्थिति में सुधार होगा बल्कि क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए भी उच्च गुणवत्ता वाली हाउसिंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस योजना के माध्यम से एक सफल फाइनेंशियल ईयर की उम्मीद कर रहे हैं और यकीन है कि ये योजना सभी के लिए लाभकारी साबित होगी। आपको कैसा लगा अथॉरिटी का ये प्लान, जिसके बाद अथॉरिटी को पैसे से संबंधित नहीं होगी कोई परेशानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी नोएडा से जुड़ी हर खबर के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।